हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि जो ये हमने सीड से ग्रो किए थे कॉक्सकॉम्ब के जो प्लांट हैं, जिनमें कि देखिए कितने खूबसूरत फूल आ रहे हैं और बहुत ही बड़े साइज़ के ये फ्लावर होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये चलते हैं, आपके 1.5 से 2 महीना या उससे भी ज़्यादा चल जाते हैं। तो इस पे फ्लावरिंग के बाद सीड्स आते हैं और उन सीड्स को हम कैसे कलेक्ट करके रखें, इसी के लिए हमारा जो आज का ये वीडियो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं और ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, बट कुछ टाइम बाद अब इनका टाइम है कि ये डाउन होंगे और इनके सीड्स आ जाएंगे। उसके बाद जब ये फ्लावर डाउन होगा तो मैं उन सीड्स को संभाल के रख लूँगी नेक्स्ट सीजन में ग्रो करने के लिए। तो वो किस तरीके से हम संभाल के रख सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और इसको जो लगाने का टाइमिंग है, कॉक्सकॉम्ब प्लांट जो है आपका, इसके सीड्स जो आप है वो जो बरसात में, या तो आप समझ लीजिए कि उस टाइम पे ग्रो कर दीजिए, या अगस्त सितंबर तक आप इसे लगा दीजिए। अनदर उसके बाद ये थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो उसी टाइम में है। आप उसको उस टाइम पे लगा देंगे तो ये आपको विंटर में बहुत अच्छे फ्लावरिंग देता है, लंबे समय तक देता है और बहुत खूबसूरत लगता है। और ये एक लो मेंटेनेंस मांगने वाला जो है वो फ्लावर है, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज वगैरह हमें नहीं करना होता है, ये बहुत सिंपल तरीके से ग्रो किया जा सकता है। तो आप इसको सही टाइम पे बीज अगर लगा देते हैं तो आप बहुत ही सुंदर अपना गार्डन सजा सकते हैं। तो आइए देखिए, आज हम आपको बताते हैं कि जो ये मेरे फ्लावर्स हैं जिनमें से कि अब सीड आ चुके हैं, आप ये देखिए पास से अगर देखेंगे तो इसमें सीड्स दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाने से हैं। तो ये इनके सीड्स होते हैं, इनको अगर हम इस टाइम पर कलेक्ट करके रख लेंगे तो ये हमारे दोबारा काम आ जाते हैं। तो आप देखिए, फिंगर में आपको पॉइंट आउट करा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से छोटे छोटे राई के से दाने हैं जो आपको दिख रहे हैं, बहुत ही बारीक हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। और ये बहुत छोटे होते हैं, इन्हें आप आसानी से हाथ से इस तरह निकाल के तो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, कोई भी आप कटोरी या कोई बर्तन ऐसा लेके जिसको कि इसके बहुत पास आपको लगाना होगा, और उसको पास में लगा के, जैसे कि आप देखिए इस तरीके से आप कटोरी को नीचे लेके और उंगली से धीरे धीरे उसको हिलाएंगे तो वो उसमें गिरने लगते हैं। अगर आप ऐसे ही उसे छेड़ेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे फर्श में या मिट्टी में और आप उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए करके आप इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये इनमें सभी में आ चुके हैं लगभग, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले लगा दिए थे, अब इनका जाने का टाइम है। देखिए इसमें आपको क्लियर दिख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर के हैं ये इसके सीड्स हैं। तो इनको इस तरीके से आप कटोरी में कलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए कितने सारे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, एक फ्लावर के अंदर आपको 50 या 60 के आसपास बड़े आराम से मिल जाते हैं और बहुत सारे आप इससे प्लांट लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा आपके तैयार हो गए हैं। और ये मैंने सिर्फ एक ही फ्लावर से अभी निकाले हैं, बाकियों से मैं कलेक्ट कर लूँगी और आपको जो भी मेरे और यहाँ पे 2-4 हैं उनसे कलेक्ट करके आपको दिखाऊँगी कि जो कितने टोटल हमारी सीड्स इकट्ठी हो चुकी हैं। ये मेरा फ्लावर इस समय अब सीड्स देने के बाद जा रहा है, तो इसको जब ये डेड होता है उससे पहले पहले ये सीड्स निकाल लेती हूँ ताकि इनको मैं फिर कांच की बॉटल में भर के नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टोर करूँगी। देखिए यहाँ पे बारीकी से आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक कलर के बहुत छोटे छोटे से होते हैं और ये फ्लावर के इस नीचे वाले हिस्से में आपको क्लियर दिख जाएंगे। तो देखिए इनको सबको कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद देखिए इसी वाले पौधे से मैंने इतने सारे निकाल लिए हैं और आप अपने बाकी जितने भी हैं उन सब में भी निकाल के और उन्हें कांच की शीशी में स्टोर करके नेक्स्ट सीज़न के लिए रख सकते हैं। और जब इनका टाइम आए तो आप सितंबर में और अगस्त में इन्हें डाल दीजिए, ये आपके बहुत अच्छे फ्लावर देंगे। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिएगा। थैंक यू।